लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चिटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस जुटाता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ योर विल पावर क्लियर इज स्ट्रॉन्गर देन योर डिजायर। सो दैट मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली सिस्टमेटिक वे पे 8 to 10 hours स्टडी करना पड़ेगा और सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन यू विल फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट। दैट टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन मेक यू फूल इन द एग्जामिनेशन हॉल। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर जी मेन या जी एडवांस एग्जाम क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस का साथ क्रैक करना है आपको, क्लियर। आपको प्रैक्टिस तो दिल से लगन लगा के करना पड़ेगा। रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस इंप्रूव योर मसल पावर इन द सब्जेक्ट। प्रैक्टिस विल मेक्स यू ए मास्टर, प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शन, परफेक्शन विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट इन जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम। सो जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम्स क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस का साथ क्रैक करना है आपको, क्लियर। सिस्टमेटिक वे पे सब कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक एज वेल एज स्मार्ट बनकर पढ़ाई करना पड़ेगा। इन दिस वीडियो यू विल गेट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्लियर कुछ ऐसा क्वेश्चन है एल्जेब्रिकल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करके, क्लियर। सो दैट मीन्स उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसका रेंज भी आप फाइंड कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका रेंज भी मैंने डिस्कस किया, जो एक्चुअली चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मन लगा के, दिल लगाकर प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/2 - sin 2 ax। तो यार जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन का रेंज फाइंड करना है, लेकिन ये तो आपको मालूम है साइन 2x का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है -1 से 1, -sin 2 ax का भी सेम वैल्यू है, ठीक है। अब यहीं पे 2 है, सब में 2 ऐड कर दिया, सो लाइक दिस। लेकिन यहीं पे तो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो रेसिप्रोकल ले लो, 1/3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सो लाइक दिस। So 1/3 less than equal to fx less than equal to 1. So range of the functions is what? 1/3 say 1 है. This is very very important in chain mathematics. Now find the range of fx is equal to this. Clear? So इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जेई एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस टाइम क्या करोगे, इसका डोमेन को फाइन कर लो। ए कब डिफाइन है ना, जब ए दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इधर कर लो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है मॉड एक्स, इसका स्क्वायर रूट क्या है, पाई बाई 2 है। सो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2, सो लाइक दिस, ठीक है। इस सारे पॉइंट पे सो दिस इज -π/2 0 एंड π/2, तुम एफ एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो। जब एफ ऑफ 0 है, देखो एक्स का जगह पे 0 रखो, ये तो π/2 हो जाएगा, सो दैट इज इस 2 है। एफ ऑफ π/2 एंड एफ ऑफ -π/2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, क्लियर। सो दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। रेंज ऑफ ए फंक्शन सी इज व्हाट, सो दैट इज 0 से 2 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई मैथमेटिक्स। Now, so find the range of fx equal to sin 6x plus cos 6x. तो यार sin square x का whole cube plus cos square x का whole cube, a cube plus b cube, a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. a plus b तो 1 है, so this. 1 minus ऊपर नीचे 4 से multiply कर दिया, so like this. जब भी negative होगा, ऐसा करके लिख लेना. तो इसका maximum value क्या है? इसका maximum value 0 है, so this is 1. इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, सो दैट इज -1, सो दिस इज 1/4। रेंज ऑफ ए फंक्शन इज 1/4 to 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जे मैथमेटिक्स। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स का क्लियर, इसको हाफ इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी 1/4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ना इसका स्टैंडर्ड जल आपको मालूम है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लिया। अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/4, 3/4 दिस। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, सो 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 1 है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, 3/4 प्लस 0, सो दैट इज 3/4 है। सो रेंज ऑफ ए फंक्शन इज 3/4 to 1 है। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 है। सो दैट मीन्स क्या, जब भी ऐसा टर्म होगा, देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
दोनों ही पॉजिटिव है और एक जो टर्म है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. जब ऐसा होगा सो दैट टाइम यू विल अप्लाई अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. सो दिस इज क्लियर. जब भी ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे आपको देखना है जो वेरिएबल टोटली इलिमिनेट हो जाए. ठीक है क्लियर. सो दिस इज 2 cos x + cos x + cos x + x square x by 3. सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस. ये क्या है सो दैट इज 1 है. 2 cos x + x square x so that is greater than equal to 3 है. range of a function is what so this is 3 से infinity है. now find the range of f x equal to cos square x minus cos x plus 1 for every x belongs to R है. so this is f x equal to cos x minus half का whole square plus 3 by 4 है. ये half का होगा. a जब 0 होगा so minimum value is 3 by 4 है. clear. so half का होगा pi by 3 base so that is 3 by 4. क्लियर. इसका cos x जब माइनस वन देगा सो उस किस पे माइनस वन देगा नैट x इक्वल टू पाई पे. सो दैट इज इक्वल टू 3. रेंज ऑफ ए फंक्शन इज वेल 3 बाई 4 से 3. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जे मैथमेटिक्स. नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 2 cos x माइनस 4 sin x का whole square. obviously you can say so this is 2 cos x minus 4 sin x. a cos x plus b sin x plus c ka kya a cos x plus b sin x ka maximum value kya under root of a square plus b square square apply kiya. theek hai jab square loge to ye kya ho jayega ye positive ho jayega so that is well to here isliye zyada se zyada 0 ho sakta hai. so like this abhi ye kya hoga to here square kar liya 1 sab mein add kar diya reciprocal de diya. a kya hai if fx hai minimum value this maximum value this range of function is 1 by 21 से 1. this is very very important in J mathematics. now so find the range of f x equal to sin 4 x plus cos square x. ऐसे भी दे सकते हैं find the range of this or you can say what is the minimum value of this expression or maximum value of this expression. जब भी ऐसा होगा 2 sin square x का standard formula है इसलिए 1 by 4 से ऊपर नीचे multiply कर दिया और इसको 1 by 2 से 2 sin square x means क्या 1 minus cos 2x का whole square and so this is 1 plus cos 2x. a minus b whole square का form में लिख लिया and इसे simply multiply कर दिया. देखो ये दो term तो cancel हो गया. 1 by 4 plus 1 by 2 3 by 4 so this is का maximum value क्या है 0 है. 3 by 4 plus sorry इसका minimum value क्या है so this is 0 है. 3 by 4 plus 0 is 3 by 4. इसका maximum value क्या है 1 है. 3 by 4 plus 1 by 4 into 1. ये तो 1 by 4 है. 3 by 4 plus 1 by 4 is 1. range of a function is 1. so this is 3 by 4 to 1. now find the range of f x equal to 3 tan x plus quad cube x for every x belongs to 0 से pi by 2 है. clear. in this quadrant में देखो ये दोनों ही positive है. अभी क्या tan x और cot x में क्या relations है एक दूसरे का reciprocal है. जब ऐसा होगा हर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है एंड टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है सो दैट टाइम यू विल अप्लाई अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. क्लियर. ज्योमेट्रिक मीन जब अप्लाई करोगे आपको दिमाग में ये रखना है वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए. इसीलिए 3 tan x को tan x + tan x + tan x + cot cube x सो दिस इज बाय 4 है. इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 4th रूट ऑफ दिस. देखो पूरा एलिमिनेट हो गया. so that means इसका वैल्यू क्या होगा 3 tan x plus cot cube x is greater than equal to 4 है. so this is greater than equal to 4. range of a function so that is 4 से infinity है. this is very very important in J mathematics. now find the range of so f x equal to sin 4 x plus cos 4 x sin 6 x plus cos 6 x sin 4 x plus cos square x sin square x plus cos 4 x. ये चारों जो क्वेश्चन है ऑलरेडी जेई मेन का पी वाई क्यू है. ये सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना. इसका रेंज पूछा जाता है एफ एक्स इक्वल टू साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो दिस इज 1 माइनस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स है. क्लियर. सो दिस इज देखो यहीं पे साइन स्क्वायर टू एक्स का जब यहीं पे माइनस है इसीलिए जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा उस टाइम ये मिनिमम होगा 1 minus half so that is half. and देखो ये जो sin square x है sin square x का maximum value this minimum value this. लेकिन जब minus sin square x होगा so this is what so like this. तो यार इसका maximum value क्या 0 है. इसका minimum value क्या है minus 1 है. तो maximum value 0 पे है and minimum value क्या है so this is
this, so what you'll get, so this is 1 minus half, so that is equal to half है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो या नेगेटिव के लिए तो इसको आप ऐसा करके पॉजिटिव बना लेना एंड सो दिस इज नेगेटिव, तो आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज इक्वल टू दिस रेंज ऑफ ए फंक्शन, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, हाफ टू वन. नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 1 प्लस sin x, greatest integers of cos x minus 1 plus greatest integers of tan inverse x, where x belongs to 0 से 2 pi है. क्लियर? देखो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, 1 1 एलिमेंट हो गया, सो लाइक दिस. क्लियर? a sin x है, cos x है, tan inverse x है. क्लियर? अभी क्या है, देखो सपोज एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स जैसे 0 के लिए sin 0 0 cos 0 1 tan inverse 0 0, 0 के लिए क्या देगा, 0 देगा. जैसे pi by 2 के लिए sin pi by 2 1 tan inverse pi by 2 1 cos pi by 2 0 है. So this is also 1. Sin 2 pi that is 0, cos 2 pi 1 tan inverse 2 pi, so that is what? Clear? 2 pi. 2 pi पे क्या देगा? So that is 1 देगा. So that is 2 है. Clear? उसका बाद क्या करोगे? ये सारे इंटरवल में आप फाइंड करना. जैसे इस इंटरवल में इसका वैल्यू क्या है? 0 है. इसका वैल्यू क्या है? 0 है. 0 से pi by 2. Clear? 0 से pi by 2. So that is what? ठीक है? 0 से pi by 4 पे तो 1 है. एंड 0 से पाई बाई 2 पे आप 0 ही कंसीडर करना. सो दैट मीन्स क्या, ऐसा करके आपको चेक करना है. सो रेंज ऑफ ए फंक्शन, सो दैट इज माइनस 1 0 1 एंड 2 है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जे मैथमेटिक्स. नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन का पार्ट 2024 एक्स प्लस कोस का पार्ट 2024 एक्स. तो यार ऑब्वियसली यू कैन से दिस इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या पॉजिटिव है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स. क्लियर? ए दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दो. सो क्लियर? ए दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता है, इंडिविजुअली होगा तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन ए दोनों साइमल्टेनियसली जीरो कभी नहीं होगा. सो इसीलिए ओपन इंटरवल एंड सो दिस. क्लियर? सो जीरो इज लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन. सो रेंज ऑफ योर फंक्शन इज व्हाट? सो रेंज ऑफ योर फंक्शन इज व्हाट? सो दिस इज जीरो टू वन है. ठीक है? तो यार दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई मैथमेटिक्स, ये आपको समझना है. नाउ फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर है. जो साइन फंक्शंस है ना, साइन फंक्शंस का ग्राफ ऐसा होता है, जब एक्स पाई एक्स इज पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है एंड माइनस पाई बाई 2 पे माइनस 1 मिनिमम वैल्यू देता है. इसीलिए इफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, सो दैट इज सेम. इफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है? माइनस 2 है. क्लियर? लेकिन सपोज सो हियर एक्स जब 0 है तो ये 0 पे तो ये 0 देगा. सो दिस इज, सो दैट इज 1 है. क्लियर? इसीलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सो दैट इज माइनस 2 टू 8. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यू कैन पॉज इट लाइक दिस वे. Now find the greatest value of c such that the system of equation this and this has a clear, has a solutions, but has a real solution. देखो ये जो equations है x plus y square equal to 25, clear, ये satisfy कर रहा है x equal to 5 cos theta, y is equal to 5 sin theta. So therefore c का जो value है, so this is 5 cos theta and so this is 5 sin theta. तो इसका maximum value of c क्या होगा? Maximum value of c, so that is इसका maximum value जो होगा, so this is what, 25 plus 25 50, so that is what, 5 root 2 है. so this is the maximum value. this is fantastic questions है. इस concept से easily आप कर सकते हो, otherwise maximum minimum का help लेकर भी आप कर सकते हो, लेकिन if you know this method within a seconds you can find out the maximum value of this as well as you can say. Now find the maximum value of f of x y is equal to this subjected to x square plus y square, so that is equal to 1 है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा देखो x is cos theta y is sin theta इसको satisfy करते हैं. क्लियर? जब satisfy करेगा तो 20 में put कर दो, so you will get a functions in terms of trigonometric functions. Algebraical functions को you can convert into trigonometric functions, so like this 2 cos 2 theta plus 3 by 2 sin 2 theta plus 5. यहीं पे obviously you can say देखो ये दोनों से 3 common ले लिया 3 by 2 sin 2 theta and यहीं पे 4 cos per theta 2 into 2 plus cos 2 theta, so like this. इसका maximum value क्या होगा? So this is under root of 2 इसका square plus इसका square plus 5,
So that is equal to 15 by 2. इस टाइप का क्वेश्चन में देखो ट्रिग्नोमेट्री जस्ट सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के इस टाइप का क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. एल्जेब्रिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिकली आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. जब तक सफल ना हो तुम, नई चैन को तैगो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम्स फ्रॉम द चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो यार आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को पहले समझने का कोशिश करो, फिर लंगर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई मैस चैनल.